ये अब यार पता नहीं क्या देख रहे, शेल शेल है उसके अंदर, ये देखें नूडल्स और उसके चाओ मा चीरो द चाओ। ओके ये जो है ना वो मुर्गी के पंजे हैं। वाह ये अब ये बाबी क्यों चल रहा है उसका सी फूड का बाबी का नहीं आ चीरो मा चिशमा क्या बना रहा है बोर्ड के टिक्के बना रहा है शेशे पेटांग हाउ ट्रू हेलो नी हाओ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो है पहला दिन है जिनान का, मतलब जिनान सिटी में शानदोंग प्रोविंस में। तो आज रात के टाइम में निकला हूँ बाहर थोड़ा सा वेले चले होके। तो ये कैपिटल कैपिटल सिटी है, क्या नाम है, नहीं सॉरी कैपिटल आउटलेट है ये, तो एक जगह है। तो इसको देखते हैं क्या सीन है इधर, किस तरह का सीन होता है और आपको भी दिखाते हैं। अभी तो वैसे भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, खाना शाना खाना कुछ। तो इधर आया हूँ इस जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ में। कैपिटल आउटलेट्स ये आई थिंक कोई स्ट्रीट टाइप है, अंदर शॉपिंग का भी सीन है और खाने पीने का भी है। इधर से एंटर हो गया अभी हम। तो ये सीन है, यहाँ से एंट्रेंस है। वाह भी वाह, नीचे का सीन है, नीचे तो देखें आगे अंदर से आए तो बड़ा है वैसे। वाह यार वाह, लेवल का सीन है। बिल्डिंग्स का यार बहुत ज़बरदस्त, इनका जो नक्शा टाइप है वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। नीचे चलते हैं। ये अंकल को देखें यार, इधर का ये बड़ा ज़बरदस्त है, इनका आर्किटेक्चर जो है ना वो बोर्ड लेवल का है। ऐसे ना इटालियन स्ट्रीट ये पेस्ट्रीज खाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है इस जगह पे। इटालियन स्ट्रीट लगती भी है यार ये चाइना के उस तरह की नहीं है, मतलब के जो आम आम इनके होते हैं टेंपल्स टाइप उस तरह की वो नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट चीज है। अच्छा ये इधर ये क्या है, ये क्या अभी लोकल सिस्टम सीन स्टार्ट किया अभी इन्होंने ये बाबी क्यू नहीं है, नहीं ये बाबी क्यू वाली वो बनाई हुई है छोटी छोटी, यहाँ तो बंद कर दिया है अभी, खुला ही नहीं। अच्छा ये अभी ओपन नहीं हुआ, अभी अभी लोगों का रश होगा। ये ऐसे ही लग रहा है जैसे एक मतलब कलर टाइप, कलर कॉम्बिनेशन और साथ लाइटिंग, ये सारी फीलिंग ऐसे ही आती है जैसे किसी उसका बड़ा प्रिंस का महल हो ऐसे ही है ना। वाह ये सेंटर आ गया, सेंटर है या एंट्रेंस है? अच्छा ये असल में सेंटर सेंटर है, समझ ले सेंटर ही है, जितना ये मेन एंट्रेंस होगी ना वो सामने, तो ये सेंटर हो गया इसका। और यहाँ पे बच्चे बहुत नहा रहे हैं वो फुहारों के साथ। Thank you.
फीलिंग आ रही है, अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, कैसे लग रहा है जैसे किसी बगैर कोरोना वाले मुल्क में आ गया। वरना हमारा तो भाई चमचों में इतना उन्होंने सख्ती की होती है ना कोरोना की, कोरोना कोरोना कोरोना, इसके अलावा कुछ उनको सोचता ही नहीं है। इधर सारे वैसे है थोड़ी स्ट्रिक्ट है इनके बारे में कि आपने मास्क लाजमी पहना हो, लेकिन अंदर आके घर में उतार देता है। ये देखें मास्क फ्री है, सेल लगी है 39। हम तो ऐसे खाने पीने के लिए आए थे। अच्छा ये तो वही अंदर का सीन है इसका, इधर भी, इधर से अभी चलते हैं फोर्थ स्ट्रीट में। ये तो मेरे ख्याल खत्म हो गई, इससे आगे भी है, ये सारे ब्रांड्स हैं, आगे भी है, ये जाएगी और तो ये अभी और भी आगे तक जाएगी ये स्ट्रीट, वहाँ पे आप आगे इसका चल पड़ा पोर्शन न्यू वाला। और ये सारी ऑलमोस्ट इसी तरह की होगी, शॉप्स बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, लेकिन आपको इधर से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या लुक क्या इधर की। तो अभी बाहर चलते हैं फूड स्ट्रीट वाली साइड पे, उधर देखते हैं उधर हमें क्या मिलता है देखने का कुछ। मैं पूछ रहा था इसको भी वो स्कैन करना का QR का। अच्छा अब इधर छोट जो है ना स्ट्रीट आ गई खाने पीने वाली। ओए होए 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 बारबेक्यू की इतनी कोई तेज गाम किस्म की खुशबू आ रही है, चस्ता आ रही है बहुत वाली, लेकिन हलाल वाला नहीं इधर से मिलेगा हमें, हलाल खाने वाला कुछ, हलाल मीट जैसे होते हैं ना, हलाल बीफ हो गया या हलाल बकरा चकरा हो गया, वो इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा। चेक करें ज़रा, ये सी फूड है जाना, सी फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। और इसके पास क्या है, इसके पास भी कुछ और ही चीज़ें हैं। हाँ इधर क्या चल रहा है, ये वो बारबेक्यू तैयार कर रही है, सब्जियों का बारबेक्यू हो रहा है। और इस जगह पे भी है जो ये कुछ पता नहीं क्या चीज इसे बोलते हैं, ये अब यार पता नहीं क्या देख रहे, शेल है उसके अंदर, ये देखें नूडल्स और उसके ऊपर कुछ मसाला वगैरह लगा कर तैयार कर रहे हैं। सात छोटे रेस्टोरेंट्स हैं इस जगह पे, इंडोर मतलब जैसे हो गए। आगे भी यहाँ पे कोई तोफू शोफू का सीन है, ये पता नहीं क्या चीज़ तैयार हो रही है, अब ये अंकल पता नहीं क्या तैयार कर रहा है, इसका क्या चीज़ है। इधर फिर बहुत सी फूड आ गई, सी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग ये चाइना में, ढेर सी फूड खाते हैं। अच्छा इसके पास अब पता नहीं क्या चीज़, इसका मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह कुछ, ये सब्जियाँ किसी शोरबे वगैरह में रखी हुई हैं, स्पाइसी तो नहीं लग रहा, लगता तो नहीं आप, लगता है भला कि स्पाइसी होगा। इधर से आते जाएं प्लेट अपनी उठा लें और उसमें भरे सामान और चल भाई अंदर जाके उसका वेट करवा लें और चलो। इधर इसके पास क्या है, ये क्या कर रहा है, ये तोफू शोफू बना रहा है। इधर भी हो रहा फ्राइड चीज़ें, ये सॉसेज को वो कर रहा है फ्राई किया हुआ चीज़ें, लोकल इस तरह की फूड्स आती हैं। ये अम्मा के पास क्या, सॉरी ये इसके पास क्या, हेलो नी हाओ, ये क्या चीज़ है यार, ये ब्लू, ये देखो कैसे ब्लू कलर किया कुछ, ये तो किशमिश वगैरह। अच्छा ये सैलेड वाली चीज़ें हैं सारी जो है ना, मीठे में है सारी आई थिंक सो। हाँ पुपु चिशिखांग है चिशमतोंग से चाओ मा चीरो द चाओ ओके। ये जो है ना वो मुर्गी के पंजे हैं इसके अंदर,
और इसके साथ अच्छा हाँ हाँ ये क्या अच्छा ये भी मसाले तैयार इसके अंदर डोब के चल भी इसमें दस्ती फ्राई करो। इसके पास क्या है नान ये बंदा क्या बनाता है इसने क्या रखा हुआ है ये ब्लैक कलर में क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रही पाव के साथ से जो कह रहा अच्छा ये पत्थर पड़े हुए नान वगैरह बना के और बाबा फिर इसके ऊपर रख देता है पत्थर के क्या सीन है अभी ये इसने खोली नहीं दुकान ही नहीं खोली अपनी इसने मुझे लगता है आज इसने बोनी नहीं करनी इसका बोनी करने का इरादा नहीं है इधर क्या है इसके पास क्या है ज्यादातर वो बारबेक्यू वाला सीन ही चेक कर ये सब्जियां अब सब सारा सब्जियों का बारबेक्यू क्या चीज है गोश्त वो दूसरी साइड पे वो तो चिकन है मुझे पता चल और वो पता नहीं क्या चीज है लेकिन ए नियो यो में चूरो चूरो यो में यो मैं पूछूं हाँ था मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे पास पोर्क है या नहीं है मतलब पिग है पिग का गोश्त वगैरह पोर्क पता नहीं इधर पोर्क नहीं है मेरे पास तो यार इसलिए पूछा ना कि उसमें ही फ्राई पिग में पिग को भी उसी में फ्राई कर देते हो और चिकन को भी बीफ को भी क्योंकि ऑयल तो एक ही जगह एक ही तरह का होता है ना तो इस वजह से मैं पूछ रहा था कैमरा मैंने थोड़ा वाइड कर लिया कि यार जो है ना हर आस पास का सारा सही तरह से चीज़ें वो क्या आते हैं माहौल है वाह ये अब ये बारबेक्यू चल रहा है उसका सी फूड का बारबेक्यू नहीं आओ बारबेक्यू चल रहा है स्क्विड ये नहीं स्क्विड नहीं है ये इसको क्या कहते हैं यार ये कुछ और चीज़ है बारबेक्यू चल रहा है इसका ये देखें इधर भी लगी है वाह बारबेक्यू इधर भी कुछ तवा बारबेक्यू होता है कुछ वो दूसरी तरह का बारबेक्यू होता है ये इसके पास क्या छामियन छामियन यार इतने मजे के होते हैं ना छामियन एक मिनट मैं देखता हूँ इसके पास क्या है फिर पूछ लेते हैं ये छामिया एंड छापिंग बहुत मजे के होते हैं नहीं आओ शर्मा छापिंग ये छामिया माँ छामिया और छापिंग है जी शर्मा चीरो दा चीरो दा चीरो दा ये झूठी बोल रहा होगा पक्की बात है छिंगचन दा चिंगचंदा बोलते हैं हलाल गोश्त को अच्छा जी ये भी फ्राई वाला सीन पे चल रहा है इधर आगे ये क्या बना रहा है अच्छा ये भी कोई चीज़ फ्राई कर रहा है सामने ये देखे चिकन चिकन लगा के रखा हुआ है और साथ मसाला लग रहा है इसका ये तैयार हो गया इसका भी चिकन निक चलते हैं आगे आगे हमें देखते हैं कि हाँ शिशमा चीरो मा शिशमा मैं या रोमा वो मौसी मुस्लिम वो ठीक है छिन चंदा मा हाँ द से इसने ये दिया ये बीफ या उसमें इसमें इस तरह की कोई चीज़ वगैरह नहीं है तो ट्राई करते हैं इसे क्या सीन है
वो रिंग वाला खेलने वाला लगा हुआ है, रिंग डाल के किस्मत पड़ी है ना, रिंग डाल के सामान निकालो। ये देखे कितना बड़ा उसने सेटअप किया हुआ है। अच्छा जी ये क्या, इसके पास क्या आ गया? अच्छा ये फ्रूट वाली है। फाइव शिप में खाई माँ, ये फ्रूट का मतलब वो बना के देती है फ्रूट सैलेड। वाह ये देखें तैयार करके रखा हुआ है, ये देखें तैयार करके रखा हुआ है, बहुत लग तो बहुत अच्छे रहे हैं ये देखें, लेकिन हम इतने फूड के वो मस्तम नहीं है। आधा से इधर बाबा क्या कर रहे हैं, टिक्के हैं टिक्के मर चिशमरो चूरो। ये जो है वो पोर्क फ्राई कर रहा है, पोर्क का डिफरेंट तरह का ही गोश्त होता है, तो ये उसके बना रहा है पोर्क के टिक्के बना रहा है। अल्लाह माफ़ करे कभी हमें कोई गलती से भी हम खा जाएं। छोटी सी मार्केट बनी हुई है इधर। इसके पास क्या है, ये भी फ्रूट सैलड नहीं, ये होती है आइसक्रीम बनाई होती है, फ्रूट की आइसक्रीम बनाई होती है उन्होंने खुद, तो ये वो है। आगे इधर क्या देखें, अच्छा ये तो बच्चों की वो पानी वाली गेम सेम आ गई। अच्छा आगे इधर खाने पीने का सीन इस जगह पे खत्म हो गया। इस बंदे ने हॉट डॉग दिया था ये वाला, इसको कमेंट करते हैं शे शे पेचांग हॉट ट्रिप बैठिए। यार ये मैंने शामियान पैक करवाए थे, ये होते हैं फ्राइड नूडल्स। ये स्ट्रीट में फुल स्ट्रीट आ, ये अब स्ट्रीट में फुल स्ट्रीट वाला ही मॉल आ गया ना, ये देखो खाने पीने का किस तरह, वही फुल लोकल मॉल वाला है। अब ये थोड़ा सा स्ट्रीट के बाहर का लोकल नज़ारा है ना, मतलब साथ बाहर के सामने दूसरी साइड पे इधर खाने पीने का बेर चल रही है जगहों के साथ। नाइस वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा पीते हैं ये बेर, ये बेर वाली जगह। वाह ये देखो बेर का जग भर रही है, ये बेर की ट्रक, बेर इधर मुफ्त नहीं लगी हुई। हाँ ये नाइचा वाली शॉप आ गई इधर। ये है जी थर्ड फ्लोर से ये सीन है, अभी मैं थर्ड फ्लोर पे जा रहा हूँ तो वहाँ से कुछ इस तरह का सीन है, आला है बहुत आला है लेवल का सीन है सच में, मुझे बहुत यार अच्छा लगा ये वाला देख के, थोड़ा डिफरेंट चेंज हुआ है यार, कोई सिटी चेंज करने से थोड़ा कुछ ना कुछ फ़र्क तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट देखने को मिला। ये वही मेन एंट्रेंस है यार, ये लिटरली ये जगह इतनी बड़ी है ना ये वाली, मतलब इसका सारा एरिया लगाया जाए तो तीन एम्पोरियम तो इजीली बन जाएंगे, दो तीन एम्पोरियम खड़े हो सकते हैं इसके, मतलब जितनी इसके अंदर जितने इसमें ब्रांड्स और ये वो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एम्पोरियम का और शॉपिंग शॉपिंग वाला आता है उसकी बात कर रहा हूँ। ये थर्ड फ्लोर पे कोई रेस्टोरेंट आ गया, दूर से ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम रेस्टोरेंट हो रहा है, ये देखें इधर। ओह मड्डी मड्डी हो गए तो फिर दरवाजा क्रॉस कर लो, मड्डी नहीं आया फिर इधर ना निकल। तो ये सर था आज का सीन, आज जो है बस ये छोटी सी एक लोकल मॉल दिखाया आपको जिनान सिटी का, और इंशाल्लाह इसी तरह की और जो है जिस जगह पे जाऊंगा आप भी दिखाऊंगा साथ, तो आप
को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे ठोकें हाथ और सब्सक्राइब भी कर दें, एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।